फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। पत्रकारों के सवालों पर बोले, जातिगत गणना पर बोले, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवा किसान महिलाएं यही जातियां हैं, इनका कल्याण ही विकास की गति देना है, इनको आगे ले जाना जिससे देश विकास की ऊंचाइयों को छू सके, विकासशील भारत विकसित भारत बन सके और विश्व गुरु बन सके, सशक्त ताकतवर देश बन सके, ये प्रयास चल रहा है। अब जात धर्म और मजहब की बात बहुत पुरानी हो गई है। सपा ने चुनाव को लेकर 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें परिवार के 3 प्रत्याशी हैं। क्या परिवारवाद है? सबसे बड़ा अपराधी वही सबसे बड़ा समाजवादी होता है। नंबर 1 और नंबर 2 परिवारवाद तो उनका खुला खेल है। परिवारवाद में अभी तो आएंगे, अभी तो कई टिकट परिवार को मिलने वाली हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है भाजपा का वोट बिखर ना जाए। अब सर भारत रत्न पर भी राजनीति हो रही है। पिछले 2-3 दिन से अखिलेश जी हमारी पार्टी की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, धन्यवाद उनका। लेकिन मुझे मेरी सलाह है उन्हें कि अपनी पार्टी की, अपने विधायकों की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर छोड़ देनी चाहिए और निश्चित रूप से आज जो देश की प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं, आज प्रचंड आशीर्वाद प्रचंड समर्थन आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत के जा रहे हैं और इस बार 400 पार आदरणीय मोदी करें। सर जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को अपने दिन गिनने चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने खुद ओबीसी के रूप में क्यों पहचाना, जबकि वह कहते हैं कि देश में अमीर और गरीब एक मात्र 2 जातियाँ हैं। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवा किसान महिलाएं यही जातियां हैं, इनका कल्याण, इनको विकास की गति देना, इनको आगे ले जाना जिससे देश विकास की ऊंचाइयां छू सके, विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके, विश्व का गुरु बन सके और सशक्त और ताकतवर देश बन करके दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके, ये प्रयास चल रहा है। अब जात और धर्म और मजहब की बात बहुत पुरानी हो गई और मुझे लगता है इनको आगे आना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होना, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, उसमें 3 सैफी परिवार के ही चेहरे हैं, फिरोजाबाद से भी अच्छे यादव लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर, परिवारवाद फिर नहीं झलक रहा? अभी तक क्यों, परिवार ही सबसे बड़ा अपराधी वही सबसे बड़ा समाजवादी होता है। नंबर 1 नंबर 2 परिवारवाद तो खुला उनका खेल है, परिवारवाद के अलावा कहाँ, अभी तो और आए हैं, अभी तो कई टिकट और उनके परिवार को मिलने वाली है। सर फिरोजाबाद से अच्छे यादव कह रहे हैं हम तो सुनिश्चित जीते, हमारी हमें तो कोई हराने वाले अच्छा नहीं है, प्रमाण पत्र एडवांस बनवा के रख लें। सर जिस तरह से यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को केवल 50 सीट भी नहीं जीत सकती, सर गठबंधन भी कर गया। मुझे जो लगता है आपको भी अच्छी तरह सहमत होंगे इस बात से कि विपक्षी क्षेत्रीय दलों का गठन केवल कांग्रेस की नीतियों रीतियों के खिलाफ ही हुआ था। या पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी हो, या विभिन्न राज्यों के जितने क्षेत्रीय दल हैं, या शरद पवार जी हों, जो भी दल हैं, उनका केवल और केवल कांग्रेस की नीति के खिलाफ गठन हुआ है और आज वही लोग एकजुटता के साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अस्वाभाविक गठबंधन न ये लंबा चलने वाला है, न जनता इसको तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश के हित में, राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देश का मिल चुका है। तो इस बार 400 से ज्यादा सीटें देकर के देश की जनता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।